हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है तुम लोग के? यार अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए आज आ चुके हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के शॉर्ट नोट्स। अब देखो, शॉर्ट नोट्स है तो आपको पूरा इसमें मटेरियल मिल जाएगा, उसी के साथ में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बस 20 मिनट्स के अंदर आपका पूरा चैप्टर जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो पूरी बातें जो हैं वो एज अ पॉइंट्स की फॉर्म है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के अंदर ये पॉइंट्स लिख के आ जाओ, पूरे नंबर आपको मिलने ही है, और वैसे भी आप तो स्मार्ट हो यार, ठीक है। तो बेसिकली सबसे फर्स्ट आता है यहां पर मेटल। अब देखो मेटल क्या होता है। मेटल आपने घर पे जिस चेयर के ऊपर बैठे हो सकता है कि वो मेटल की होगी, और अगर वो नहीं है तो उसके बाद में देखो अपना फैन जो है फैन मेटल का होगा। तो भैया एक ऐसा एलिमेंट जो कि क्या करता है कि पॉजिटिव आयंस बनाता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे कि भैया जो हमारा फैन है वो तो ऐसा कुछ करता ही नहीं है। तो देखो बेसिकली यहां पर हम बात करेंगे कि जो हमें फिजिकली दिखता है उसकी बात नहीं है, जैसे कि जो आपको दिख रहा है वो तो है ही नहीं। बेसिकली हम यहां पर बात करें केमिकल रिएक्शन की। तो मेटल्स वो होते हैं जो कि ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि रिएक्शन करते हैं तो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। जैसे कि मान लो कि M है, तो जब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो ये क्या होता है कि M प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी के साथ में एक इलेक्ट्रॉन को अपने यहां से भगा देता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है यहां पर इसकी प्रॉपर्टीज। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ में प्रॉपर्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एक्सेप्शन। तो देखो सबसे फर्स्ट आते हैं यहां पर मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर का मतलब क्या होता है, वो होती है चमक। जैसे कि आप देखो घर पे, आपके घर पे कोई भी गोल्ड होगा वो अच्छा खासा चमक रहा होगा, और उसी के साथ में कोई भी मेटेरियल होगा जैसे एल्यूमिनियम होता है वो भी चमकता है, कॉपर होता है वो भी चमकता है। तो जितने भी मेटल होते हैं ना उनके पास में एक मेटेलिक लस्टर होती है, मतलब उनके पास में उनकी खुद की चमक होती है, उनके पास में अपना एक शाइनी सरफेस होता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से इनको यहाँ पर किस लिए काम में लिया जाता है, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड हो गए ना, इनको यूज करा जाता है ज्वेलरी मेकिंग के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ज्वेलरी होती है, ऐसा तो है नहीं कि कोई आयरन की ज्वेलरी पहन रहा है, नहीं पहनता ना कोई भी लोहे की, जो पहनते हैं वो पहनते हैं सिल्वर की पहनते हैं और गोल्ड की पहनते हैं। वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो अच्छा दिखता है और वो चमकता है। टी पॉइंट आता है, वो आता है हार्डनेस का। देखो जितने भी मेटल्स होते हैं मोस्टली वो सभी के सभी हार्ड होते हैं, और ये हार्डनेस जो होती है कि जैसे कि कौन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है वो डिपेंड करता है कि उनका क्या मेटल से मेटल के ऊपर वेरी करता है। जैसे कि जो गोल्ड है, गोल्ड थोड़ा कम हार्ड होता है, उसी के साथ में एल्यूमिनियम होता है वो थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है, और इन सबसे ज्यादा हार्ड होता है वो होता है स्टील होता है, फिर उसके बाद में आयरन होता है। इन सभी की अपनी अपनी हार्डनेस होती है। लेकिन पता है कुछ कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि ना हार्ड नहीं होते, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पर हो गया सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ये सब क्या है, ये है सॉफ्ट मेटल है। तो ये एक्सेप्शन याद रखो, चाहे से ये याद रखो रखो कि हार्डनेस क्या होती है, लेकिन इसका एक्सेप्शन जरूर से याद रखना। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में अगली प्रॉपर्टी आती है, वो आती है मैलिएबिलिटी। अब देखो मैलिएबिलिटी क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल की बाय वर्च्यू ऑफ विच इट मेटल कैन बी कन्वर्टेड टू शीट्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आयरन होता है, आयरन को आसानी से शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो यही प्रॉपर्टी होती है, इसको ही मैलिएबिलिटी कहा जाता है। और ये बेसिकली पाई जाती है गोल्ड में, सिल्वर में, ये नॉन मेटल्स में नहीं मिलती। इसके बाद में आती है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि होता है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल को आप आसानी से वायर के अंदर कर सकते हो, जैसे कि आपके घर पे जो वायर्स हैं वो हैं कॉपर के, तो क्या करा गया है उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से ही उसको वायर्स के अंदर कन्वर्ट करा गया। उसी के साथ में एक फैक्ट वाली बात यह है कि 1 ग्राम गोल्ड जो है वो 1 किलोमीटर तक कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। मैं 1 ग्राम लिख करके आगे लिखना भूल गया कि 1 ग्राम गोल्ड कैन बी कन्वर्टेड इंटू 1 किलोमीटर ऑफ वायर, ठीक है। अब आप सोच करके देखोगे आपके घर पे जो कॉपर वायर है उसकी जगह पर गोल्ड के वायर होते हैं तो कितनी रहीसी होती ना, आप समझ सकते हो कितने ज्यादा रिच होते हैं। तो कौन कौन चाहता है कि भैया हमारे घर पर गोल्ड के वायर हो, यस या फिर नो में जल्दी से इसका आंसर बताओ। वैसे इररिलेवेंट है, लेकिन आप लोगों को मजा इसी बात में आता है, तो इसी बात के ऊपर ऐसी बातें करते हुए हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली आप बताओ कि यार आपको घर पर गोल्ड के वायर चाहिए या नहीं चाहिए। और बेसिकली अभी कैसी वीडियो चल रही है मैं आपको एक बताता हूँ कि मैं एक बार एक वीडियो देख रहा था, उसमें बोलता है कि आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अपनी माँ से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। और कई कई तो ऐसे बोलते हैं आपने चड्डी नहीं पहनी होगी, भाई साहब कुछ भी चल रहा है। तो मतलब ये मान लो कि अब आपको लाइक कर देना है। मेरे को बस इसी से बात याद आई, यार मैं यस और नो क्यों लिखवा रहा हूँ, तो मेरे को वो वाला बात याद आ गई, कोई बात नहीं। देन फिर इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है हमारे पास में, वो आता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब इसको चेक करने के लिए आप देख सकते हो आपके घर पर जिससे चाय बन रही है, भगोने में जिसमें चाय बन रही है, उसको जाकर एक बार हाथ लगा दो, आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं।
उसी के साथ में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, देखो ध्यान से सुनो, ये नोट करके लिखा हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए होता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ हीट कंडक्टिंग यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ यूटेंसिल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग। जब इनकी प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी की, ये हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, जब जाकर के इनको खाना बनाने के लिए काम में लिया जाता है। परफेक्ट एग्जाम्पल है सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, स्टील हो गया, ये सब अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। और इसी के साथ में कई कई जगह पर एक्सेप्शन भी होते हैं, तो यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि लेड और मरकरी जो हैं आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये दोनों के दोनों पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आती केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की, भैया ये जब केमिकल हम इनमें डाल देंगे तो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो बेसिकली सबसे फर्स्ट यहाँ पर आता है, वो आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब मेटल प्लस ऑक्सीजन होता है तो यहाँ पे बनती है मेटल ऑक्साइड। अब इसका एग्जांपल देखो, सबसे पहले हम लेते हैं मैग्नीशियम रिबन को। जब मैग्नीशियम रिबन को लोगे तो वो जब बर्न करता है ना, बहुत ही ज़्यादा, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा, जैसे अनार देखा ना दिवाली वाला, याद करो दिवाली वाला अनार, तो वैसा ही कुछ है आपको देखने को मिलेगा इतने से मैग्नीशियम के रिबन से, इतना ज़्यादा वो बर्न करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलते हैं तो यहाँ पर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि होता है MgO। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं कि कॉपर मेटल क्या करेगा, कॉपर मेटल भी कोई नया काम नहीं करेगा, कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पर अपनी कॉपर ऑक्साइड बना लेगा जिसका कि कलर होगा वो होगा ब्लैक। याद रखना कि कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो होता है ब्लैक। देन फिर इसके बाद में एल्यूमिनियम भी क्या करेगा, एल्यूमिनियम अपनी ऑक्साइड बनाएगा जो कि होगा Al2O3। ये रिएक्शन ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखो कि मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मेटल ऑक्साइड। अब अगला टॉपिक आता है, वो आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है ना, इसकी डेफिनेशन याद रखनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये एक ऐसे ऑक्साइड्स होती हैं जो कि दोनों होती हैं, एसिड भी होती हैं और उसी के साथ में ये बेस भी होती हैं। तो अब जो एसिड है और बेस है दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब दोगलापन दिखाता है, उसी को यहाँ पर क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। इसके अंदर आप बेसिकली याद रख सकते हो कि बेस के साथ में भी रिएक्शन करिए और एसिड के साथ में भी रिएक्शन करेगी। ऐसी जो ऑक्साइड होती है उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। अब इसके एग्जांपल है एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। अब इसके अंदर एल्युमिनियम ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं जो कि एसिड के साथ में रिएक्शन करेगी, तो ये यहां पर बनाएगी एल्युमिनियम क्लोराइड जो कि है AlCl3। और फिर इसके बाद में एल्युमिनियम ऑक्साइड जब बेस के साथ में रिएक्शन कर रही है, NaOH क्या है, वो है बेस, तो इसके साथ में जब रिएक्शन कर रही है तो ये बना रही है NaAlO2। ठीक है, ये है यहाँ पर सोडियम एल्युमिनियम। अब इसके बाद में आता है रिएक्शन विद वाटर। क्या रिएक्शन होती है वाटर के साथ में, तो बेसिकली जब मेटल वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं अपनी मेटल ऑक्साइड और उसी के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इलेबरेट होती है। अब जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि ये इतने से रिएक्शन नहीं रुकती है, जो मेटल ऑक्साइड ये फिर से जाती है वाटर के साथ में, फिर रिएक्शन करके बनाती है मेटल हाइड्रोक्साइड। बहुत सारे बच्चे इस वाले रिएक्शन को फाइनल रिएक्शन समझ के लिख करके आएंगे, एग्जाम में एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, फिर बोलोगे कि भैया ने बताया नहीं था। मैं बता रहा हूं कि ये वाली जो रिएक्शन है, मेटल प्लस वाटर विल गिव यू मेटल हाइड्रोक्साइड, फाइनल प्रोडक्ट ये रहेगा। अब जैसे कि पोटेशियम है और सोडियम है, सबसे पहले हम करवाते पोटेशियम की। तो पोटेशियम के अंदर क्या होता है कि याद रखना पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करा जाता है, बहुत सारे बच्चे इसको P से करेंगे, P से होता है फॉस्फोरस और ये है यहाँ पर K से, मतलब ये है पोटेशियम। पोटेशियम के साथ में जब वाटर होगा तो वो देगा यहाँ पर KOH जो कि है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और ऐसे सोडियम मेटल प्लस ऑफ यहाँ पर क्या होगा वाटर, तो वो आपको देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस। और फिर इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारे पास में, वो आता है कैल्शियम। अब कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम भी कोई नया काम नहीं करेगा, आप वाटर के अंदर डालोगे तो ये आपको दे देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि होता है CaOH2। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम क्या है, या बहुत बार पढ़ के आई हो इसको, आप याद करो उस वाले चैप्टर के अंदर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में आया था CaOH2। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नाम याद रखो, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कि इसका नाम क्या है। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर नोट करके जो बात लिखी हुई है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बात ये है कि लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, ये पानी के साथ में रिएक्शन नहीं कर सकते। तो आप ये बोल सकते हो कि इनको पानी से डर लगता है, बेसिकली होता क्या है कि डर इनको कुछ ही नहीं लगता, इनको पानी के साथ में रहना अच्छा लगता। आप ये याद रखो कि जो लेड है, कॉपर है, ये आप देखो गोल्ड को अगर आप 10 दिन तक पानी में डाल के रखोगे इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन वहीं पर ही अगर आप आयरन को डाल दोगे जो कि Fe होता है, उसमें क्या होगा रस्टिंग लगना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा
तो है नहीं कि मम्मी ने गोल्ड की रिंग खरीदी और थोड़े दिनों बाद में वो रेस्टिंग लग करके वो खत्म हो रही। इसकी रिएक्शन जो होती है बहुत ही ज्यादा स्लो होती है गोल्ड की, फिर इसके बाद में सिल्वर की, फिर कॉपर की, लेड की। ये रिएक्शन यूजुअली वाटर के साथ में नहीं करते। और फिर इसके बाद में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है ना वो इस तरीके से रहता है, सबसे ज्यादा जो रिएक्शन करता है वो करता है पोटेशियम, फिर इसके बाद में सोडियम। आप एक अगर आपको मिले कभी पोटेशियम का टुकड़ा तो कभी उसको पानी के अंदर छोटा सा डाल देना, आपको पता लग जाएगा कि यार कितनी विग्रस रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा जो तबाही वाली रिएक्शन होती है ना वो होती है पोटेशियम से। फिर इसके बाद में सोडियम भी ऐसे ही करता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब इस तरीके से रिएक्शन करते हैं और ये है इनकी रिएक्टिविटी सीरीज। और यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, उसको टेस्ट करा जाता है बर्निंग कैंडल की हेल्प से। जैसे जैसे कि यहाँ पर हम रिएक्शन कर रहे हैं, इसमें से कोई भी गैस निकल रही है तो करना क्या है कि आपको यहाँ पर एक कैंडल लाओगे, तो जैसे आप कैंडल लाओगे ना तो उसमें से बबल्स जो है ना वो ऐसे पॉप के साउंड से होंगे, जैसे पॉप का साउंड आता है ना। इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट आती रिएक्शन विद एसिड, ये वाली रिएक्शन तो आपने पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जब क्या करते हैं तो बेसिकली करते क्या है, कुछ नहीं करते, नया काम कोई नहीं करते। सबसे पहले मेटल होता है, एसिड होता ही रिएक्शन करके बनाते हैं मेटल सॉल्ट और उसी के साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाती है। तो सबसे फर्स्ट हम एसिड लेते हैं, वो लेते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है वो होता है HNO3, ये लेंगे हम डाइल्यूट। तो जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा और उसी के साथ में ऑक्साइड, याद रखो वो निकलती है NO2 और एक होती है N2O, दोनों की दोनों निकलती है। याद रखना एग्जाम के अंदर ये MCQ टाइप क्वेश्चन में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि NO2 होती है या फिर N2O होती है, तो इसके अंदर दोनों गैसेस निकलती हैं और उसी के साथ में यहाँ पे वाटर भी फॉर्म होता है। और यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, फिर एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड आता है जो कि यहाँ पे एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया को याद रखना क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन में CBSE का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, वो ये है कि मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन अ 3:1। मतलब आप एक काम करो 30 ml का तो आप ले लो भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसी के साथ में आप 10 ml का ले लो, हमारे लिए क्या ले लो HNO3, तो आपके पास में क्या हो जाएगा वो हो जाएगा एक्वारेजिया। और ये काम में किसके लिए आता है, जो सुनार होते हैं ना उनको गोल्ड के साथ में रिएक्शन करवानी होती है, तो बेसिकली गोल्ड को साफ करना होता है तो उसके लिए यहाँ पे काम में लिया जाता है और इसके अंदर आसानी से गोल्ड मेटल डिजोल्व हो जाता है एक्वारेजिया में। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जो कि है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको याद रखना है काफी ज्यादा जरूरी। तो रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस तरीके से है, सबसे पहले पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है ये वाले ट्रिक। बेसिकली जो सबसे ऊपर आने वाले हैं वो हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और जो नीचे आएंगे वो होंगे सबसे लेस रिएक्टिव। तो यहाँ पे आपको याद रही ये रखना है कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, मतलब आपका दोस्त आपको एक नया नाम दे रहा है क्योंकि हमारे दोस्त हमें हमेशा नया नाम देते हैं। तो वहीं पर ही क्या होता है कि आप ये याद रख सकते हो कि आपका दोस्त आपको नया नाम दे रहा है, वो दे रहा है ज़ेब्रा। एंड फिर उसके बाद में बोलते हो कि आई लाइक हर कॉलिंग माइंड ब्लोइंग स्मार्ट गोट, ठीक है, आई लाइक हर कॉलिंग स्मार्ट गोट, मतलब आप उसको बकरी कहना पसंद करते हो। फिर ये कह रही है कि ना आई लाइक हर कॉलिंग गोट, मतलब आप बकरी कहना पसंद कर रहे हो उसको, समझ रहे हो, उसको आप बकरी बोल रहे हो। तो यार जो समझना था वो समझ गए, जो समझ गया कमेंट्स में बता दो कि हाँ भैया हम आपका इशारा समझ चुके हैं, और जो नहीं समझे तुम इसको याद रखो यार, तुम्हारे लिए वो बात नहीं है, जो समझ गए वो समझ गए, जो नहीं समझे उनके लिए कोई बात नहीं। आपके लिए रिएक्शन है कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग माइंड ब्लोइंग स्मार्टेस्ट गोट, ठीक है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ जो कि है भैया नॉन मेटल। अब देखो नॉन मेटल क्या होते हैं, वो सब उल्टा होता है, जो मेटल के पास में होता है वो नॉन मेटल के पास में नहीं होता, समझ रहे मेरी बात। नॉन मेटल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, मेटल क्या होते हैं, वो होते हैं हार्ड, उनके पास में लस्टर होती है, इनके पास में कुछ नहीं होता, ये ब्रिटल होते हैं, अगर आप एक हथौड़ा लेकर के तोड़ दोगे ना टूट जाएंगे, लेकिन गलती से भी डायमंड के ऊपर मत डालते हैं। मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आती कि जब साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यार गोल्ड डायमंड है उसके ऊपर कौन हथौड़ा मारना चाहेगा यार, कौन उसकी हार्डनेस को टेस्ट करना चाहेगा। अगर मैं मान लो कि 3 से 4 करोड़ का अगर मैं हीरा खरीदता हूँ तो क्या मैं उसके ऊपर हथौड़ा मारूंगा, मैं उसको किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा भाई, इतना यार इतना महंगा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई बात नहीं। और ये ब्रिटल का मतलब ये होता है कि वो टुकड़ों में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो नॉन मेटल्स यूजुअली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इनकी डेंसिटी जो होती है वो लो डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट और
लो बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉन मेटल का, और उसी के साथ में नॉन सोनोरस होते हैं और नॉन लस्ट्रस होते हैं। अब नॉन सोनोरस का मतलब ये होता है कि इनमें से जो साउंड है वो नहीं आती। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आप है ना घंटा सुना है आपने, मंदिर में जब हम जाते हैं घंटा बजाते हैं, तो वो घंटा किसका होता है? वो बेसिकली कई बार पीतल का होता है या फिर कॉपर का होता है, कॉपर का नहीं होता, पीतल का ही होता है, तो उसमें से आवाज आती है ना। लेकिन वहीं पर ही नॉन मेटल हो गया, नॉन मेटल के लिए आप देख सकते हो कि नॉन मेटल का क्या एग्जाम्पल दूँ आपको, आप है ना कोई भी अपने प्लास्टिक का बॉक्स के ऊपर मार लो, उसमें से आवाज नहीं आएगी, तो वो होता है सोनोरस। और नॉन लस्ट्रस का मैंने मतलब बताई दिया था कि चमकीला। और फिर इसके बाद में ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन इनमें से कैसे उस्ताद होते जो कि बहुत तगड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो होते हैं यहाँ पर ग्रेफाइट। एक अकेला एकमात्र नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वो भी बेस्ट तरीके से। और ये नॉन मैलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब ना ही तो आप इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ना ही आप इनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि यार इनको है ना कुछ भी नहीं कर सकते, मेटल के साथ में जो चाहते हैं वो कर लें, लेकिन इनके साथ में हम कुछ भी नहीं कर सकते। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में अगला आता है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। याद ही नहीं रखना, ना पानी के साथ में रिएक्शन करते, ना डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करते, करते ही नहीं कुछ भी, तो हम याद ही नहीं रखेंगे। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता हुआ आता है ऑक्सीजन। भैया ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? बेसिकली जो मेटल करते हैं मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो ये क्या नया काम करेंगे? नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाएंगे। तो यहाँ पर नॉन मेटल है कार्बन, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर CO2 फॉर्म होती है, जो कि होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर इसके बाद में हमारे पास में अगला आता है, वो आता है भैया क्लोरीन। क्लोरीन वाली रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि भैया क्या करते हैं उनके साथ में, तो करते कुछ भी नहीं है। जहां पर भी आपको समझ में नहीं आना क्या करना है, कुछ वाटर के साथ में क्या होगा, वाटर मतलब हाइड्रोक्साइड बन जाएगी, और एसिड के साथ में क्या होगा, सॉल्ट बन जाएगा, ऐसे आपको याद रखना है। तो क्लोरीन के साथ में क्या होगा, क्लोरीन के साथ में कोई नया काम थोड़ी होगा, नॉन मेटल होगा क्लोरीन होगा, तो उसके साथ में हमें मिल जाएगी नॉन मेटल क्लोराइड। ठीक है, नॉन मेटल क्लोराइड मिल जाएगी, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया और क्लोरीन हो गया। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा 2HCl, जो कि क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है कि हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो बेसिकली यहां पर जब नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है कोवेलेंट हाइड्राइड। क्या मिलता है? कोवेलेंट हाइड्राइड मिलता है, जो कि होता है H2 प्लस ऑफ S2 विल गिव H2S, जो कि गैस फॉर्म में रहेगा। और अगर बात करें कि रिएक्शन अगर हम करवा देते हैं मेटल की और नॉन मेटल की तो क्या होगा, बेसिकली क्या होता है कि जो मेटल होते हैं ना उनको पसंद है कि वो है ना इस संसार को, इस मोह माया को त्याग। तो बेसिकली वो करते क्या है कि अपने जो इलेक्ट्रॉन है उनको छोड़ देते हैं, मतलब लॉस्ट कर देते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल को अच्छा लगता है कि यार जितना पैसा है उतना अच्छा है, जितना पैसा है उतना अच्छा है। तो भैया नॉन मेटल ये होता है कि इसको है ना इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको जितने इलेक्ट्रॉन दोगे ना ये बोलेगा और दे दो, और दे दो भाई, और दे दो, और दे दो। तो आपको ये याद रखना है, व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट देन बोथ ऑफ देम ट्राइज टू अटेन। अब देखो यहाँ पर ध्यान से सुनो मेरी बात, जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या, बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे मेटल होते हैं ना, आप देखो मेटल जो है वो है बड़ा ही सज्जन आदमी, इसको कोई भी डराते ही अपने इलेक्ट्रॉन को हाथों देता है, बोलता है कि यार मैं तो एम प्लस में ठीक हूँ, मेरे इलेक्ट्रॉन ले जाओ। अब ये ऐसा करता नहीं है, बेसिकली ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इसको इस एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है। जैसे कि इसके एग्जांपल के यहाँ पर सोडियम, ठीक है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 281, तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर देगा ना तो ये हो जाएगा 2.8, ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा नियॉन गैस के। तो ये नियॉन गैस में रहना पसंद करता है, इसीलिए क्या बोलता है कि मेरे एक इलेक्ट्रॉन ले लो और मुझे मुक्ति दो, बेसिकली ये काम करता है। लेकिन वहीं पर ही जो हमारा नॉन मेटल है जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2.8.7, तो बेसिकली अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2.8.8, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो भैया ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसको चाहिए और इसको चाहिए, तो क्या करते हैं, ये जो हमारा सोडियम है सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसको दे देता है, जिसको कि क्लोरीन रख करके क्लोरीन माइनस में बन जाता है। बेसिकली यही होता है इनके बीच में फॉर्मेशन, और इसी को मैंने यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल टू नॉन मेटल।
मेटल, याद रखना कि मेटल टू नॉन मेटल होते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि जो हमारा मेटल है वो तो इलेक्ट्रॉन देगा और उसी इलेक्ट्रॉन को क्या लेगा, क्लोरीन लेगा। तो मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, और ये जो कंपाउंड होता है इसको कहा जाता है आयनिक कंपाउंड कहते हैं इसको, ठीक है, याद रखना इस बात को। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर यही रिएक्शन दी हुई है कि सोडियम आयन हो गया, क्लोरीन आयन हो गया, जो कि Na है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो ये बन जाता है NaCl, और इसको आप लिख सकते हो Na प्लस और Cl माइनस, और NaCl भी आप इसे लिख सकते हैं। और उसके साथ में इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आयनिक कंपाउंड की, तो भैया इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि सॉलिड होता है, हार्ड होता है नेचर में, और उसके साथ में इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई ही बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, आसानी से आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर सकते हो, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। डी वाला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा कि क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो ये जो सॉलिड स्टेट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, और वहीं पर अगर आप इसको मोल्टन स्टेट के अंदर लेके जाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि देखो NaCl क्या होता है, वो होता है Na और Cl, जब आप इसको पानी के अंदर मिलाते हो ना तो ये हो जाता है Na प्लस और Cl माइनस, तो ये आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि आप नमक के अंदर पानी मिलाकर के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाओगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो बेसिकली आज की वीडियो में बस इतना ही था, अगर आपने वीडियो अभी तक देखी है तो आप जरूर से लिखिएगा 173, जल्दी से पता लग जाएगा कि यार आपने लास्ट तक देखी है, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर देना।